सो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं चिलिका चिलिका विच इज़ वन ऑफ द लगून लार्जेस्ट लेक इन एशिया। सो हम जाने वाले हैं वहाँ पे, एक होटल हमने बुक किया है, वहाँ पे मंडे रहेंगे। देखेंगे अगर अंदर हम जा सकते हैं तो जाएंगे, नहीं तो मैं बाहर से आपको दिखाऊंगा कैसा है। सो विल कवर ऑल दैट, सो लेट्स गो। रास्ते में सारा कुछ आपको बताऊंगा कि क्या रूट रहता है, कैसा रहता है, होटल क्या क्या है नज़दीक में, लेक के बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको। अगर होगा तो मैं पॉसिबल अंदर अगर जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लेक है। सो आई वी हैव अ स्मॉल किड एज वेल, सो अगर हम नहीं जाते हैं तब भी मैं बाहर से आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सो लेट्स गो। सो दोस्तों, इट वाज़ आवर 6th एनिवर्सरी, तो हमने सोचा थोड़ा इसको स्पेशल बनाते हैं। और हम क्योंकि उड़ीसा में हैं तो नथिंग यू नो बिगर दैन गोइंग टू चिलिका। और हमने बुक किया बरकुल पांथनिवास होटल है, इट इज़ राइट ऑन द चिलिका लेक। तो आप वहाँ पे बुक कर सकते हैं, दे हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैसिलिटी, और उसके साइड में आपका चिलिका लेक भी है। तो यू कैन गो फॉर अ बोट राइड टू चिलिका, बर्ड वॉचिंग, कालीजाई टेम्पल जो है अंदर, यू नो 45 मिनट्स बोट राइड लगता है। तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे बरमपुर से, इट इज़ अराउंड 74 किलोमीटर्स। तो हम 2 बजे आफ्टरनून निकले, थोड़ा लेट निकले, हमारा मॉर्निंग में जाने का प्लान था वैसे। तो अभी हम बरमपुर से निकल चुके हैं, आगे हम गोपालपुर, फिर उसके बाद छत्रपुर, ये सारा स्मॉल टाउन्स क्रॉस करके पहुँचेंगे। सो दोस्तों, मैंने वीडियो को, जितने भी रोड के वीडियोज़ हैं वो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को कवर करना था। और रोड का अगर मैं ज़्यादा रखता या उसको लेंथी रखता तो बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता वो क्लियर करना। अभी हम बरमपुर मुंसिपल जो का एरिया है, बरमपुर कॉर्पोरेशन एरिया, वो क्रॉस कर गए। तो मेरा मकसद यही था कि मैं आपको रूट भी दिखाऊं कि क्या रूट पड़ता है एग्जैक्टली, सो दैट नए लोगों के लिए इट विल बी ईजी। एट द सेम टाइम आई गिव दी अदर इन्फॉर्मेशन एज वेल, सो लेट्स गो। सो दोस्तों, हम श्री रामचंद्रपुर और छत्रपुर, ये दो टाउन्स जो हैं छोटे छोटे, ये हमने क्रॉस कर लिया है। आगे टम्परा लेक है राइट साइड पड़ेगा, वो भी हमने क्रॉस कर लिया है। और अभी थोड़ी देर में ऋषिकुल्या रिवर ब्रिज आएगा, तो ऋषिकुल्या ब्रिज हम क्रॉस कर जाएंगे, उसमें बरमपुर यू नो डिस्ट्रिक्ट का पूरा, मतलब गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट का ये है जो ब्रिज, ये ऋषिकुल्या रिवर का ब्रिज है, क्वाइट फेमस। सो ये हम अब थोड़ी देर में क्रॉस कर जाएंगे, आगे फिर हुमा आएगा। अभी जैसे देख सकते हैं दोस्तों, भुवनेश्वर 140। सो हम ऑलमोस्ट यू नो रंभा की तरफ अभी हेड कर रहे हैं, जहाँ से आपका चिली का स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो रीच, इट इज़ अ ह्यूज लेक, इट ऑलमोस्ट टचेस थ्री डिस्ट्रिक्ट। तो अभी जैसे देख सकते हैं रंभा 2 किलोमीटर, तो रंभा स्टार्ट हो गया यहाँ से, यहाँ से चिलिका का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। तो ऐसे ही हम चलेंगे आगे, आगे एक फॉरेस्ट व्यू भी आएगा, फॉरेस्ट रिजर्व थोड़ी देर में, तो वो भी हम क्रॉस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से राइट साइड में आपका रंभा शुरू हो जाता है। रंभा जैसे कि यहाँ से चिलिका, जो कि इंडिया का बिगेस्ट इनलैंड लेक है, और यहाँ पर आप यू नो बर्ड वॉचिंग, बोटिंग वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं रंभा में। और जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ पर से फॉरेस्ट रिजर्व भी स्टार्ट हो गया है, तो वो भी हम क्रॉस करेंगे। जो फॉरेस्ट रिजर्व है उसके राइट साइड में आपका लेक दिखेगा, एक हिल यू नो हिल व्यू पॉइंट भी है चिलिका लेक का। सो दिस इज अ रोड टुवर्ड्स चिलिका, राइट साइड में आप चिलिका देख सकते हैं, आई डोंट नो इट इज विजिबल और नॉट, बट ये जो घाट सेक्शन है इट विल कनेक्ट टू बरकुल, बरकुल जहाँ पे आपका वो चिलिका स्टार्ट होता है वहाँ से। चिलिका दिख रहा है हमको एक्चुअली, बट कैमरा में इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन पहुंचने के बाद हम आपको दिखाएंगे वंस वी चेक इन द होटल, बट दिस इज अ फॉरेस्ट एरिया बेसिकली।
फॉरेस्ट एरिया क्रॉस करने के बाद नाउ वी आर हेडिंग नियर टूवर्ड्स बरकुल। बरकुल वो जगह है जहाँ पे हमने होटल बुक किया है OTDC का, और थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। अभी हम ऑलमोस्ट भेजीपुट जगह का नाम है लंगलेश्वर, वहाँ भी पड़ता है उसके आगे, उसके आसपास है, तो वो क्रॉस करके अभी हम बरकुल वाला शॉर्टकट ले रहे हैं। ये शॉर्टकट आपको बरकुल OTDC की तरफ ले जाता है। रास्ते में आपको चिल्ली का ढाबा भी मिल जाएगा, क्वाइट फेमस है यहाँ पे, क्रैब्स लोग बहुत पसंद करते हैं ये होटल का, रेस्टोरेंट का मैं कहूँगा। ये है, यहाँ से आप राइट टर्न लेंगे तो पंथ निवास OTDC की तरफ रोड जाएगा। तो हम ये लेके अभी थोड़ी देर में, इट इज़ अराउंड 1 किलोमीटर स्ट्रेच, रोड अच्छा है, ये रोड लेके, नैरो रोड तो नहीं कहूँगा, सिंगल रोड है, ज़्यादा क्राउडेड नहीं रहता। मे बी ट्रैफिक में यू विल हैव प्रॉब्लम, बट वी डिडंट हैव सच प्रॉब्लम एट द टाइम व्हेन वी वेंट। तो अब थोड़ी देर में OTDC आ जाएगा, हम वहाँ पर फिर अपना चेक इन कर लेंगे, उसके बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर पार्किंग आ जाता है लेफ्ट साइड में, पार्किंग का अच्छा स्पेस है, दैट इज़ पेड पार्किंग फॉर यू नो आउटसाइडर्स, फॉर द होटल यू कैन पार्क इनसाइड। सो वी हैव रीच्ड एट OTDC, विल डू द चेक इन प्रोसीजर एंड देन वी विल टॉक टू यू। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी से हाय, अभी इज बिजी प्लेइंग। सो हम लोग अभी पहुंच गए हैं बरकुल चिलिका के पास। द होटल दैट वी हैव टेकन इज जस्ट एडजेसेंट टू चिलिका। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, अच्छा ठीक ठाक होटल है, अच्छा खासा पार्किंग स्पेस है, रूम भी अच्छा है, जिसका टूर हम कराएंगे आपको। और ये गवर्नमेंट का है तो वेल मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट की जैसे नॉर्मली होता है मेंटेन, स्पेशियस। तो अभी जाएंगे चिलिका लेक उस तरफ जाएंगे देखने के लिए, तो उसका भी मैं आपको शेयर कराऊंगा। बट आप ये देख सकते हैं, हम यहाँ पर रह रहे हैं, दिस इज द कॉटेज दैट वी हैव बीन गिवन। अच्छा स्पेशियस है, रूम का टूर बाद में करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं थोड़ा देख लेते हैं इसका, यहाँ पे इसका व्हाट आर द फैसिलिटीज इट हैज एंड कैसा है ओवरऑल। दे हैव गुड अमाउंट ऑफ पार्किंग स्पेस, होटल का रूम देख सकते हैं, एडजस्टेंट टू द होटल यू हैव चिलिका व्यू, रूम्स आर रियली गुड एज यू कैन सी, और बालकनी से आपको एकदम चिलिका का व्यू दिख जा रहा है। राइट नाउ इट इज़ लिटिल फॉगी, बट आई विल ज़ूम इन अ लिटिल बिट, यू कैन सी अ बोट यू नो क्रॉसिंग, इट्स अ ह्यूज लेक नॉनदलेस। So the view is amazing from the hotel room itself. So 2500, what else you can expect? So यहाँ से INS चिलिका नज़दीक है, तो कभी कभी गवर्नमेंट के यूनियंस होते हैं नवेल्स के, और एनी यू नो अरेंजमेंट्स दैट हैज़ टू बी डन बाय द गवर्नमेंट, दे बुक द एंटायर यू नो OTDC। ये आप देख सकते हैं, ये गार्डन है, राइट साइड में आपको कॉटेजेस दिख जाएंगे, और जहाँ पे हम वॉक कर रहे हैं, दिस इज़ अ पाथवे टूवर्ड्स द बुकिंग सेंटर, द बोट बुकिंग सेंटर। और गार्डन पूरा यू नो ये एरिया में बहुत सारे ट्री प्लांटेड है, वेराइटीज़ ऑफ ट्री आप देख सकते हैं। बोट बुकिंग सेंटर ये है, OTDC का, गवर्नमेंट का ही है, इसके अंदर ही है। तो आप अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। ये देख सकते हैं श्री बिजू पटनायक द्वारा ये इनाग्रेटेड हुआ था 1994 में, काफ़ी पुराना है, अच्छे से वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो ये आप देख सकते हैं, दीज आर ऑल कॉटेजेस, बहुत अच्छे से देखिए, स्पेशियस भी है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सो ये कनेक्टेड ही है, इसके पीछे है, तो आप सीधा होटल से निकल के दिस वे यू कैन रीच टू वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये रहा। और साइड में आप देख सकते हैं छोटे छोटे मार्केट्स हैं, जहाँ पे आपको सुविनियर्स एंड स्मॉल टॉयज बैग्स ऑल यू नो लोकल
यू नो स्टफ यू विल गेट इट। सो लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा पॉन्ड है, बहुत बड़ा है, इट्स अ ह्यूज वन, एंड यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होता है शायद, इट इज़ लिटिल सेप। और ऑन टू द राइट साइड यू हैव द लेक, द ह्यूज लेक। आई डोंट नो इफ माई कैमरा इज एबल टू डू द जस्टिस, बट इट इज़ रियली ह्यूज। इसका स्पेस एंड कितना बड़ा है ये आपको मैं डिटेल्स में बता दूंगा, बहुत बड़ा है। इट इज़ वन ऑफ द यू नो एशियाज लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट लेक, एंड इंडिया का द लार्जेस्ट लेक यू नो इन टर्म्स ऑफ ब्रैकिश वाटर। सो अभी तो ज़्यादा कोहरा है, इवनिंग का टाइम है, इसीलिए नज़ारा इतना क्लियर नहीं है, लेकिन दूर दूर तक आप जितना देखेंगे यू विल हैव वाटर, एंड बैकड्रॉप में कहीं कहीं आपको छोटे छोटे माउंटेन्स भी दिख जाएंगे। सो इट लुक्स ब्यूटिफुल। एज माई सन इज enjoying getting used to the place, seeing the flowers, the garden, he loves it, so is having a good time. At the same time let me take you through, ये जो है ये garden से होते हुए आप hotel के reception area को जाते हैं, left side में आपको reception है और आगे आप देख सकते हैं huge area for parking। ये सारे rooms हैं आप देख सकते हैं, these are all rooms with garden views। एंड ये है आपका काउंटर जहाँ से आप यू नो डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, होटल चेन कहाँ कहाँ है वो सब डिटेल्स है। ये रिसेप्शन एरिया है, सोफ़ा वगैरह है, यू नो इफ़ यू हैव योर फैमिली दे वांट टू सिट एंड यू डू दी फॉर्मेलिटीज़, एंड ये आपका रेस्टोरेंट नेक्स्ट टू द रिसेप्शन एरिया, दे आर लॉट ऑफ यू नो टेबल्स यू नो फॉर पीपल, सो इफ देर आर लार्ज क्राउड दे कैन यू नो हैंडल दैट एज वेल। They have water filter also, nice wash, you know, hand wash area, और ये जगह भी बहुत अच्छा है reception में, तो ये देख सकते हैं night view कैसा है। Lighting वगैरह बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि they have used very less light, they have lightings, good lightings, now you can see the moon, it's not a full moon but looks beautiful. So we had some snacks, we ordered tea and paneer pakoda, the taste was really good, I must say we were impressed by the cuisine, and after the snacks in some time we had the dinner as well, so the tea was very good, we loved it. Then after tea we went to the room and had some quiet time. Now we are going, you know, to have dinner. अच्छा देख सकते हैं lighting वगैरह बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। We went and we ordered jeera rice salad और परवल का सब्जी और मशरूम मसाला और उसके साथ lime soda. So the food was very good, very reasonable. After the food we'll go sleep. So good night. We'll see you tomorrow. Good morning friends, it's a new morning, new day, काफ़ी fresh morning है, आप सुबह जैसे जैसे उठते हैं एकदम greenery, fresh oxygen आपको बहुत बढ़िया लगता है। मैंने कुछ clips लिए, I'll share with you, और in the meantime मैं आपके hotel के बारे में बता दूँ, service is really good, you know, and when you get up you see this in the morning, it refreshes your mood, along with a cup of tea. So we got you know room services, so nothing like it. So I'll share some pics and we'll connect with you again. So abhi thodi der mein we'll go and get freshen up, naha dhoke, because we have to check out from the hotel. They have given 11 is the standard time for check out, but they said that we can you know check out late, but we'll go around 10 we'll have breakfast and then we'll go out. So milte hain thodi der mein. So dosto abhi ab main background aapko dikhaunga kitna mast lag raha hai from our room, and abhi hum check out kar jayenge.
ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू है। अभी हम बैकपैक कर लिए हैं, रूम खाली कर लिया। नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स द रिसेप्शन एरिया एंड वी विल गिव यू द डिटेल्स अबाउट ओवरऑल हाउ वाज आवर एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, अभी हम होटल में ही हैं, यहाँ पे स्टाफ हैं, तो हम उनसे पूछेंगे होटल के बारे में, थोड़ा बताएं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, होटल के बारे में कैसा, क्या मतलब कब से है ये होटल? आई फील ये इनाग्रेट इसका इनके आपके जो बीजू पटनायक हैं वही किए थे ना? जी जी। तो दोस्तों, दो साल हुआ है बाकी यहाँ पे 42 रूम्स है। अच्छा, रेस्टोरेंट है अपना, बोटिंग बोटिंग काउंटर है, राइट, और इसी बाहर भी है इधर। अच्छा, बाकी वो इधर से अपना जो मंदिर होता है काली आइटम, काली आइटम, बाकी बार सेंचुरी है तो यहाँ से आपको 3 आवर्स लगता है। बाकी यहाँ से आप बाई रोड नारायण घूम सकते हैं, भगवत टेम्पल। भगवती कितना दूर रहेगा यहाँ से नारायण टेम्पल? टेम्पल अप्रोक्सीमेटली 7-8 किलोमीटर है। अच्छा, भगवती टेम्पल 10-15 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर। बाकी जो है अपना इधर का रेस्टोरेंट है, स्पेशलिस्ट चिल्का का है, प्रॉन्स है, क्राब्स है, क्राब्स है, बाकी चिल्का लेक, चिल्का जो फिश है, खाइंगा फिश है, पारसी फिश है, एक जो फेमस है, फेमस है, दो चीज फेमस है, क्राब्स है, प्रॉन्स है, करेक्ट, टाइगर प्रॉन्स है, ग्रीन क्राब्स है, जो फेमस है, फेमस है। तो सी फूड काफी फेमस है यहाँ पे, मतलब नॉनवेज में अगर आप खाना चाहें। और यहाँ पे बोटिंग का कैसा रहता है? बोटिंग काउंटर आपका ओटीडीसी का साइड में है? काउंटर है, राइट। तो आप अगर कोई होटल में आता है तो वो आपके थ्रू भी बोटिंग के लिए बुकिंग कर सकता है, राइट, कर सकता है, बुकिंग कर सकता है। थैंक यू सो मच, हमारा स्टे यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। थैंक यू, सो आते हैं, फिर आते हैं, आएंगे तो फिर। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज मॉर्निंग काफ़ी अच्छा है, नाइस मॉर्निंग, इट इज़ प्लीजेंट मॉर्निंग है। हम चेकआउट कर रहे हैं होटल से, होटल का 20 मिनट हो रहा है, 10:25। सो वी हैड एक्चुअली गुड ब्रेकफास्ट, यस, खाना यहाँ का बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है। तो फीडबैक मेरा यही रहेगा, ओटीडीसी लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट का है कैसा रहेगा, बट स्पेसियस है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छा है। मैं अभी कैमरा टर्न करूँगा, आपको दिखाऊंगा, ग्रीनरी काफी अच्छा है, अच्छे से मेंटेन्ड है, सर्विस काफी अच्छा है, आप कॉल करो तुरंत आ जाता है। हाँ, और ऊपर से क्या होता है ना, अगर आप चिली का आ रहे हो तो आप यहाँ पे आके ना रादर देन प्रेफरिंग स्टेइंग एनी रिसॉर्ट और लॉज और होटल, तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, और सर्विस तो बहुत ही अच्छा है। यस, और इनका खुद का रेस्टोरेंट भी है, तो खाने के लिए एनी टाइम यू कैन कम एंड यू कैन आस्क प्रिपेयर समथिंग, और ऑर्डर कर दोगे तो रूम सर्विस भी देते हैं। जनरली रूम सर्विस का पैसा लगता है, यहाँ पे वो फ्री देते हैं, ये अच्छा चीज़ है। और एक बढ़िया चीज़ जो है कि ये एडजेसेंट टू चिलिका लेक है, तो इमीडिएटली आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। जनरली क्या होता है, ओशन या यू नो लेक वगैरह में आपको वॉक करना पड़ता है, यहाँ पे चलना नहीं पड़ा, एडजेसेंट है, आप होटल के थ्रू भी टिकट बुक कर सकते हैं, आप खुद जाके भी कर सकते हैं। हमारा जो रूम था वो उसका बालकनी की तरह दिख रहा था। यस, बालकनी से पूरा एकदम लेक साइड व्यू था। करेक्ट, लेक साइड व्यू है, तो आप देख सकते हैं काफी ग्रीनरी, पार्क भी अच्छा है, इतना छोटा पार्क नहीं है, बड़ा पार्क खेलने के लिए है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट का है तो एक्सपेक्टेड है, इट इज गुड, एटलीस्ट यू हैव समथिंग, कुछ तो है बच्चों के लिए खेलने के लिए। लेकिन हाँ, ये अच्छा है, ग्रीनरी अच्छा है, तो आप क्वाइट टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लेक ही जाना है, बुक भी कर सकते हैं, राइट राइट, वाटर एक्टिविटी भी आप ले रहे हो, राइट राइट राइट। और दूसरा चीज़ है कि क्योंकि कंपाउंड के अंदर है, तो आप हैसल फ्री, अगर आप जल्दी आ जाते हो, लेट आते हो, तो आप जाके खुद यहीं पे होटल के अंदर रह के भी टिकट ले सकते हो बोटिंग वगैरह या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए। तो अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर, बोटिंग इस टाइम हम नहीं कर पाए, लेकिन अगले टाइम अगली बार करेंगे, हमारा होम टाउन है तो हम तो आते रहेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ छोड़ना चाहिए, तो वो करेंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि अब बोटिंग आज करना नहीं है, और चेकआउट हमने कर लिया है, खाने का बिल मैंने पेमेंट कर लिया, चेकआउट कर लिया है। के पास वो ट्रेडिशनल वाला बोट है और वो मोटर बोट भी है, right. और ऊपर से वो बड़ा वाला जैसे लॉन्च जैसे भी था ना, राइट, वो भी है, वो भी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ज़्यादा लोग लोग तभी वो प्रीफर करते हैं उसमें आपको घुमाने के लिए, नहीं तो वो जो ट्रेडिशनल वाला जो लकड़ का जो है ना उसी पे ही जाता है। और खाना, मैं खाने के बारे में अभी जैसे मेरी वाइफ बोली थी, मैं उसके बारे में बता दूं, प्राइस भी रीजनेबल है, नॉट टू एक्सपेंसिव, आप कोई भी रेस्टोरेंट जा रहे हो ना, तो हाँ नॉनवेज का तो थोड़ा बहुत होता है, बट स्टिल दैट इज रीजनेबल, और वेज तो बहुत ही चीप है, और देखा जाए तो इट इज नॉन स्पाइसी एंड फूड इज ऑसम, वी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम और एनीथिंग, जैसे कि नॉर्मली ऑयली या बाहर का खाते हो, मसाला बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब आप अच्छे से खा सकते हो, और
वेज हमने लिया था. अच्छा था. इट वाज गुड. एंड कल का हमने जीरा राइस, दो करी, परवल का सब्जी और मशरूम करी और कर्ड राइस, ये सारा कुछ लिया था. वाटर बॉटल, ये सुबह हमने उपमा पूरी लिया था. उपमा पूरी जो कि ओडिशा का ऑथेंटिक डिश है, ब्रेकफास्ट कुजीन है. एंड हमने टी सोडा भी लिया. ऑल टुगेदर आप बिलीव नहीं करेंगे, इट वाज ओनली 600 समथिंग. सो देखा जाए तो डिनर अगर ब्रेकफास्ट मिला के आप देखते हैं तो 600 में इट इज वेरी गुड. सो ऑल टुगेदर आई वुड, गवर्नमेंट का ये दे डोंट फॉलो द प्राइवेट स्टैंडर्ड, बट स्टिल यू वोंट रिग्रेट क्योंकि चीप होता है. चीप होता है तो ऑल टुगेदर इन अदर रिसॉर्ट और एनीथिंग, तो इट इज क्वाइट रीजनेबल एंड इट इज गुड टेस्ट वाइज, तो बहुत ही अच्छा लगा. करेक्ट करेक्ट. सो इसी के साथ हम साइन ऑफ करेंगे यहां पे. टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, हम चाहे करेंगे पक्का वी विल प्रेफर टू स्टे अगेन हियर, लेकिन लॉन्ग डे के लिए प्रेफर करेंगे क्योंकि इस बार हम लेट से चेक इन किए थे. वी कुडंट एक्सप्लोर मच, बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ये करेंगे. मैं आपको सारा आएंगे तो ज्यादा एक्सप्लोर ग्रुप के साथ आएंगे तो ये अ लॉट ऑफ थिंग्स. करेक्ट. तो मैं लिंक्स वगैरह जो है यहाँ पे कैसे पहुँचते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. और दूसरा कुछ चीज़ है, यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, जो भी मुझे पता है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू यू नो कॉन्टैक्ट अस. सो इसी के साथ साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय.